हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल 2022 की पांच टीमों की प्रोबेबल बेस्ट 11 के बारे में, यानी जब सारे के सारे प्लेयर्स फिट होंगे तो पांच टीमों की सबसे बेस्ट पॉसिबल 11 क्या हो सकती है इस साल के आईपीएल के अंदर। और जिन पांच टीमों को मैं कवर करने वाला हूं उनके नाम है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पे आपको आईपीएल के बारे में काफी सारी जानकारी मिलने वाली है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको बस क्लिक करना है और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मुंबई इंडियंस के बारे में। तो मेरे हिसाब से मुंबई की स्ट्रांगेस्ट 11 के अंदर ओपन कर सकते हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन, नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पे तिलक वर्मा, नंबर 5 पे टिम डेविड, नंबर 6 पे कारन पोलार्ड, नंबर 7 के ऊपर डेनियल सैम्स, फिर जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे, जयदेव उनादकट और टाइमल मिल्स, तो ये टीम हो सकती है। काफी सारे बदलाव हो चुके हैं मुंबई की टीम के अंदर और टिम डेविड, डेनियल सैम्स, टाइमल मिल्स, ये सारे प्लेयर मुंबई की टीम को इस साल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स के स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के अंदर ओपन कर सकते हैं डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, नंबर 3 पे मिचेल मार्श, नंबर 4 के ऊपर ऋषभ पंत, नंबर 5 के ऊपर सरफराज खान, नंबर 6 के ऊपर रोमन पावल, नंबर 7 के ऊपर अक्षर पटेल, फिर शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, आंड्रिक नोकिया और चेतन साकरिया, तो ये टीम हो सकती है जहां पे 4 ओवरसीज प्लेयर होंगे डेविड वॉर्नर, आंड्रिक नोकिया, मिचेल मार्श और रोमन पावल। तो दिल्ली की टीम के अंदर भी काफी सारे बदलाव हो चुके हैं अगर मैं पिछले सीजन से कंपेयर करता हूं तो। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। तो कोलकाता की बेस्ट 11 के अंदर ओपन कर सकते हैं अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर, नंबर 3 के ऊपर श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पे नीतीश राणा, नंबर 5 के ऊपर सैम बिलिंग, नंबर 6 पे एंड्रू रसेल, नंबर 7 पे सुनील नारायण, फिर पैट कमिंस, शिवम मावी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, तो ये मेरे हिसाब से कोलकाता की टीम हो सकती है। अगर टीम को एरोन फिन से ओपन करानी रहाणे की जगह पे तो आपको सैम बिलिंग्स की जगह पे शेल्डन जैक्सन को खिलाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सैम बिलिंग्स अगर विकेट कीपिंग करते हैं तो उस हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी ये कोलकाता के लिए इस साल के आईपीएल के अंदर। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद की टीम में तो बहुत ही सारे बदलाव हो चुके हैं, तो हैदराबाद के लिए इस साल ओपन कर सकते हैं एडन माकरम और अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पे केन विलियमसन, नंबर 4 के ऊपर आपके राहुल त्रिपाठी, नंबर 5 पे निकोलस पूरन, नंबर 6 पे अब्दुल समद, नंबर 7 के ऊपर आपके आ जाते हैं वॉशिंगटन सुंदर, फिर आपके आते हैं मारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और श्रेयस गोपाल, तो ये टीम हो सकती है हैदराबाद की। हैदराबाद की टीम के अंदर भी काफी सारे बदलाव हैं, रोमारियो शेफर्ड आ गए हैं, एडन माकरम आ गए हैं, निकोलस पूरन आ गए हैं, हालांकि टीम में गेंदबाजी के अंदर उमरान मलिक को रिटेन किया था, पर मेरे को लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के अंदर यही 11 प्लेयर खेलने वाले हैं। और लास्ट में आपसे बात करता हूं राजस्थान रॉयल्स के बारे में। राजस्थान की टीम ने बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो राजस्थान के लिए ओपन कर सकते हैं जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर देव पडिकल, नंबर 4 के ऊपर संजू सैमसन, नंबर 5 पे शिमरन हेटमायर, नंबर 6 पे रियान पराग, नंबर 7 पे जिमी नीशम, फिर आर अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट और यूजी चहल, तो ये राजस्थान की टीम बहुत अच्छी लग रही है। टॉप ऑर्डर काफी शानदार है, गेंदबाजी भी काफी शानदार है, दिक्कत है नंबर 6 और नंबर 7 की पोजीशन के ऊपर। अगर चाहे तो टीम जिमी नीशम की जगह पे नेथन कुल्टन नाइल को भी शामिल कर सकती है। तो ये थी इन पांच टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल 11 मेरे हिसाब से। मैं आने वाली पांच टीमों को भी कवर करने वाला हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करके जरूर से बताओ कि आपके हिसाब से इन पांचों में से बेस्ट 11 क्या होगी और आपके बेस्ट 11 क्या हो सकती है इन टीमों के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो को अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।